मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अजय मिश्रा, अजय मिश्रा। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा 2018-19 में प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। इस बजट को अगर हम देखेंगे तो 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय जनता ने बड़ी अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जो देश की स्थिति थी वो चिंताजनक स्थिति थी, देश हताश था, निराश था, लोगों के मन में राजनीतिक विश्वास की चुनी हुई सरकारों पर से भरोसा खत्म होता जा रहा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी लोगों का भरोसा कम हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में, बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस देश के लोगों ने मतदान किया था और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उस चुनौती को बहुत मजबूती से स्वीकार किया और बहुत सारी योजनाएं बना करके इस देश को कैसे हम इन सारी समस्याओं से निकाल करके एक विकसित देश के रूप में स्थापित करें, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। 2014 का बजट हम देखें और 2018-19 के लिए पांचवां बजट जो हमारा प्रस्तुत किया गया है, इसमें देखें तो आपको एक निरंतरता लगेगी। ये निरंतरता गरीबों के कल्याण के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए है, देश में सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों के हाथ में रोजगार हो, जेब में पैसा हो, लोगों का सम्मान और संपत्ति सुरक्षित हो, इन सारे लक्ष्यों को लेकर के हमारी पार्टी की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया था। और वही 2014 का जो बजट था वही निरंतरता लेते हुए आज 5 साल के बाद 18-19 के बजट के रूप में देश के सामने हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। मैं कह सकता हूं कि इन 4 सालों में, जो अभी लगभग पूरे नहीं हुए, लगभग 4 साल है, 4 साल में इस देश में परिस्थितियां बदली हैं। वह देश जो आज से लगभग 3-4 साल पहले एक हताश निराश देश था, जिसकी सीमाएं असुरक्षित थीं, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घट रहा था, विकास का काम ठप हो गया था, लोग हताश और निराश थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा खत्म हो गया था, हमने लोगों की दृष्टि को बदला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे फिलॉसफर थे, जिनके आधारभूत सिद्धांतों पर ही यह राजनीतिक दल काम करता है, हमारी जहां भी जब भी सरकारें बनी है हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी को लेकर के काम किया है कि जब तक इस देश के सबसे कमजोर व्यक्ति को हम उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा देंगे, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, अस्पताल नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होने वाला है। उसी काम को निरंतरता से हमारी सरकार ने किया और 4 साल के बाद आज हम कह सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन हुआ है, देश में स्थितियां अनुकूल है और इन अनुकूल परिस्थितियों में ये देश आगे बढ़ रहा है। और उसी देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे जो ये 2018-19 का बजट आया है, इसमें गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, उसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों की जो फसल है, फसल की लागत से 1.5 गुना दाम उनकी फसल की उपज को प्राप्त हो, ऐसे सारे उद्देश्यों को लेकर के इस बजट में प्राविधान किए गए हैं। इस 3.5-4 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं। जीएसटी की बात हो, 1000 और 500 के नोटों को बंद करके सीधे सीधे काला धन पर कुठाराघात करने की बात हो, फाइनेंस बिल 2017 लाने की बात हो, बैंक करप्शन कोर्ट की बात हो, एनपीए को समाप्त करके बैंकों की स्थिति को मजबूत करने की बात हो, इस देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की बात हो, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, देश के सम्मान को बढ़ाने की बात हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था जब ये देश आजाद हुआ था, दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में था जो इस देश का विकास नहीं कर पाए, आज वो रोजगार के लिए भी हम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, सड़कों के लिए भी हम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने जब जब हमको अवसर मिला है इस देश की स्थिति को संवारने का प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भाषण में एक बार ये भी कहा था कि हमारे देश का विकास दुनिया की दृष्टि से नहीं होगा, भारत का विकास भारत की परंपराओं से होगा, भारत की दृष्टि से होगा, और हमने कार्यविधि को बदला और दुनिया की दृष्टि को भी बदल दिया। काम करने की कार्यविधि क्या होनी चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों ने दिखाया है। हमने गरीबों को सर्वोपरि रखा है, महिलाओं को सशक्तिकरण के माध्यम से ऐसे 60 करोड़ लोग उनको जोड़ने का काम
क्या है। मैं अगर अपने केवल लखीमपुर जिले की, जहां से मैं लोकसभा से चुना गया हूं, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो केवल 3.5 साल के अंदर कई हजार करोड़ का काम हमारी लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। बाढ़ को रोकने का काम किया गया, रेलवे लाइनों का विस्तारीकरण हुआ, रैक पॉइंट बना, आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया, उसके साथ साथ 200 बेड का हॉस्पिटल बना, ट्रामा सेंटर बना, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बना। और मैं ये कह सकता हूँ हर जिले में जैसे हम लोगों ने किया डायलिसिस के लिए, और हम डायलिसिस के लिए हम लोग फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे जैसे मेरे लोकसभा क्षेत्र में वातावरण बना है, ऐसे पूरे देश में बना है। मैं कहना चाहता हूँ 9 अगस्त 2017 को यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए कहा था कि ये देश अब अनुकूल स्थितियों में आ गया है नए भारत का निर्माण करने के लिए।